जिला हमीरपुर के अंडर 14 वर्ग के लड़कों की खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का शुभारंभ विधायक नरेंद्र ठाकुर द्वारा राजकीय उच्च विद्यालय बरहलड़ी में बड़े हर्षोल्लास के साथ किया गया। इस खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में 30 स्कूलों के लगभग 368 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। जिला हमीरपुर की अंडर 14 वर्ग के लड़कों की खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का शुभारंभ विधायक नरेंद्र ठाकुर द्वारा राजकीय उच्च विद्यालय ब्राहलड़ी में बड़े हर्षोल्लास के साथ किया गया। इस खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में 30 स्कूलों के लगभग 368 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। मुख्य अतिथि विधायक नरेंद्र ठाकुर ने ध्वजारोहण कर खेलकूद प्रतियोगिताओं का उद्घाटन किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। अपने प्रेरणादायक संबोधन में नरेंद्र ठाकुर ने बच्चों से आह्वान किया कि वे स्वस्थ रहने, एक जिम्मेदार व सक्षम नागरिक बनने के लिए खेलकूद प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इस तरह की प्रतियोगिताओं में भाग लेने से एक सामूहिक जीवन जीने का अवसर प्राप्त होता है, जिससे मानव के अंदर का उत्पन्न अवांछित दोष जैसे ईर्ष्या, द्वेष, गुस्सा आदि समाप्त हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि आज हमीरपुर जिला शिक्षा के क्षेत्र में पूरे हिमाचल में अग्रणी है और वे चाहते हैं कि इसी तरह जिला खेलकूद गतिविधियों में भी पहले स्थान पर बने और इसके लिए सभी प्रयास करें। उन्होंने पाठशाला में खेलकूद प्रतियोगिताओं के सफल आयोजन के लिए 11,000 रुपए भी दिए। इससे पूर्व पाठशाला के मुख्य अध्यापक एवं समन्वयक देशराज कमल ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और आयोजन की विस्तृत जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर पाठशाला के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किया। जगदीश चंद्र शक्ति देवी मेमोरियल ट्रस्ट के चेयरमैन मदन लाल शर्मा ने कार्यक्रम के आयोजन के लिए 5100 रुपए की सहायता राशि प्रदान की। इस अवसर पर ज्योति प्रकाश प्रधान ग्राम पंचायत नालटी, पंडित रमेश शर्मा पूर्व प्रधान, पूर्व पीडीसी अनिल शर्मा, पूर्व जिला परिषद सदस्य सुरेश कुमार, जगमोहन पाल शर्मा, प्रवेश शर्मा सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।